G24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। आई रुक करते बिहार की एक खबर की ओर। अररिया पुलिस ने मानव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 साल की बच्ची को 4 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। वही पुलिस ने मां समेत 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये पूरा मामला रानीगंज के छितियौना की बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को उस बच्चे की मां कुनिया खातून ने ही अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला बच्चे की मां कुनिया खातून ने ही अपनी बेटी को 50,000 रुपए में बेचा था। गिरफ्तार मां के अलावे मानव तस्कर के रूप में मधेपुरा निवासी मोहम्मद शहरुल और जहाना खातून के साथ साथ मुंबई निवासी शाह मजहर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अररिया पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुपौल के प्रतापगंज से बच्चे को महज 4 घंटे में पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि अररिया एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इसके बाद बच्ची को सकुशल बरामद कर मां समेत 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सुनिए पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है। रानीगंज थाना पे आई और आवेदन दी कि इनकी बच्ची के साथ ये डॉक्टर को दिखाने के लिए रानीगंज थाना अंतर्गत आई थी और बाज़ार में सोनू नाम का एक युवक था जो इनकी बच्ची को अगवा कर लिया है। तो इस तरीके का आवेदन इन्होंने इनके द्वारा प्राप्त हुआ। संवेदनशीलता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया जिसका नेतृत्व SDPO अररिया कर रहे थे और DIU टीम भी थी उसमें। उसके उपरांत अनुसंधान चालू किया गया और उसमें जो लड़की थी उसको सकुशल जो है 4 घंटे में सुपौल बस स्टैंड जो प्रतापगंज थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ से बरामद कर लिया गया। फिर उसके बाद अनुसंधान में जो बात सामने आई उसमें 4 लोग अक्यूज्ड गिरफ्तार हुए। उनका नाम मोहम्मद शाहरुल जो कि मधेपुरा जिला का रहने वाला है और शाह मजहर जो हिंगोली मुंबई का रहने वाला है और जहाना खातून जो मधेपुरा की रहने वाली। इन लोग को गिरफ्तार भी किया गया बच्ची के साथ और बच्ची को सकुशल थाने लाया गया। फिर उसके बाद इन अभियुक्तों से पूछताछ की गई। उस क्रम में पता चला कि जो इसकी माँ थी जिसका नाम कुनिया खातून है इसने 50,000 में अपनी बच्ची को इन तीनों को बेच दिया था और इनका जो गिरोह है वो खरीदारी करके यहाँ से वैश्यवृत्ति या अन्य प्रयोजन से बाहर ले आता है बच्चों को। तो इस पर हम लोग ने दर्ज किया है और अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। इस पूरे गिरोह में जो भी शामिल है हम लोग उसमें भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और महज 4 घंटे के अंदर इस बच्ची को सकुशल टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया है और इन 4 अभियुक्तों को हम लोग अभिरक्षा में भेज रहे हैं। लगता सर ये सीमावर्ती इलाकों में मानव तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट कारखाना है। इसके लिए जिला में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी बनाया गया है और लगातार हम लोग ऐसी चीज़ों पर नज़र रखते हैं और जैसे ही कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो हम इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें उसको संज्ञान में भी लेते हैं। और जैसे कि ये है जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई हमने तुरंत टीम का गठन किया और 4 घंटे में सकुशल उस लड़की को बरामद कर लिया गया। और जैसा कि इसमें तथ्य में आया कि 50,000 में उसकी मां ने ही बेच दिया था उस लड़की को तो हमने इस पूरे केस में मां को भी आरोपी बनाया और उसको भी हम लोग जेल भेजे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे G24 न्यूज।